जय हिंद दोस्तों मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में दोस्तों डिसीजन मेकिंग के इस अध्याय के साथ मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि तीन क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं तीन क्वेश्चन आने ही आने हैं दो की कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी दो की कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें तीन क्वेश्चन ना पूछे गए हों गुड इवनिंग भाई सभी के लिए सभी के लिए नमस्कार सभी के लिए शुभ संध्या एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे बहुत जबरदस्त सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत शानदार तरीके से करेंगे दोस्तों मनोज पंडित निशा कुमारी संध्या नागर चौधरी और पीकू मयंक, रुचि सिंह संदीप चौहान आशा गुप्ता धर्मेश आदर्श प्रताप रितिका ठाकुर साहब अंकिता स्वाति पूजा अनुज संदीप आदर्श बहुत शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बार सभी लोग जल्दी से, से शेयर कर देंगे और अगर हो सकता है तो लाइक जरूर कर देंगे और हो नहीं सकता लाइक करना तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए बहुत शानदार तरीके से सभी लोग लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे वीडियो को और फिर उसके बाद हम हाँ हाँ बिल्कुल मैराथन लेकर आ रहे हैं बिल्कुल मैराथन मैराथन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा बताएंगे उसके बारे में भी पहले थोड़ा सा चीजों को आज डिस्कस करते हैं बहुत शानदार तरीके से सभी लोग शेयर करेंगे बहुत शानदार तरीके से सभी लोग शेयर करेंगे बहुत शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार अब सामने आएंगे सभी लोग अगर मैं बात करूं चैप्टर की तो चैप्टर का नाम होता है डिसीजन मेकिंग इसे हिंदी में बोलते हैं निर्णय निर्धारण निर्णय निर्धारण और दोस्तों ये के में, ये के पेपर पेपर में में तीन सौ परसेंट पूछे ही पूछे जाने हैं 2017 की प्रत्येक शिफ्ट में लगभग तेईस चौबीस शिफ्ट में पेपर हुआ था दो में और कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें तीन से एक भी कम पूछा गया हो हर एक शिफ्ट में तीन क्वेश्चन ही पूछे गए थे तीन क्वेश्चन का मतलब हो जाता है यदि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है तो तीन का मतलब हो गया नंबर दोस्तों आज की क्लास से हम अपने छह नंबर पक्के कर रहे होंगे ये पक्का वादा है कि आज की क्लास के बाद डिसीजन मेकिंग का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और पूरे के पूरे छह पूरे के पूरे छह नंबर पर आप लोग अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करेंगे ध्यान से देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ये कह रहा है कि निर्देश हैं एक से तीन तक एक से तीन मतलब क्वेश्चन तक एक से तीन क्वेश्चन तक ये निर्देश दिए जा रहे हैं जो भी निर्देश आपके सामने ये अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको टेंशन मत लो उसके बाद दोस्तों आप लोग सामने देखिए आप लोग सामने देखिए ये कंडीशन है और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये दूसरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड और ये है क्वेश्चन नंबर तीन उसी से रिलेटेड इसका मतलब ये है एक जानकारी के आधार पर हमसे तीन प्रश्न पूछे जाएंगे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तीन प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल जूम कर देता हूं बिल्कुल दिक्कत नहीं लेंगे एक बार सभी लोग सामने देखेंगे मैं क्या बोलने वाला हूं मैंने कहा मैंने कहा कि निम्न जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें बात को ध्यान समझेंगे थोड़ा सुकून से पढ़ेंगे बहुत आसानी समझ में आएगा एक संगठन में कृषि अधिकारियों की कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्न शर्तें हैं उम्मीदवार या उम्मीदवारों ने आगे कंडीशन दी गई है इसका मतलब सवाल ये कह रहा है कोई एक संगठन है कोई एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर और उस ग्रुप के अंदर एक वैकेंसी निकली है किसकी निकली है कृषि अधिकारियों की वैकेंसी निकली है दोस्तों जब आप यूपीएसआई का फॉर्म भर रहे थे तो उसमें कुछ शर्तें होंगी जैसे कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है जैसे कि आपका मूल निवास जो भी आपके लिए जरूरी था मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोगों के लिए अनिवार्य थी यदि दोस्तों ये चीजें अनिवार्य थी तो इसका मतलब यह है कि हमारा चुनाव अब होगा या नहीं फिर एक एग्जाम भी होगा यानी ये कंडीशन होती हैं तो ये कंडीशन यहां पर भी होती है सवाल क्या कह रहा है बिल्कुल सुकून से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्न शर्तें हैं उम्मीदवार उम्मीदवारों ने निम्न शर्तें हैं वो शर्तें नीचे लिख रहा है कहने का मतलब यह है जो वैकेंसी निकाली गई है जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस प्रकार से है क्लियर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं और जूम कर देते हैं आप दिक्कत क्यों ले रहे हैं और जूम करे देते हैं अब क्लियर दिख रहा होगा अब क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा यहां से ऊपर करे देता हूं अब यहां ध्यान से देखना अब जल्दी से एक बार पहले थम्सअप करके बताएंगे क्या अब आपको यह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है एक बार जल्दी से बताएंगे क्या अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है अब यहां से बिल्कुल क्लियर होगा मैंने जूम भी बहुत अच्छी तरीके से कर दिया इससे ज्यादा नहीं कर सकता दोस्तों अब बिल्कुल सही दिख रहा होगा मैंने कहा यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है कम से कम यानी कि यह न्यूनतम कंडीशन है कम से कम साठ परसेंट कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो इसका मतलब यह है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में यानी ग्रेजुएशन जो करी हुई है वो कृषि के क्षेत्र में होनी चाहिए सब बातों को नोट करते रहना शॉर्टकट में कृषि के क्षेत्र में उसने स्नातक कर रखी हो और न्यूनतम कितने अंक आए हो साठ परसेंट अंक कम से कम आए हो आगे क्या कह रहा है कम से कम पचास परसेंट बोलेंगे कितने परसेंट पचास परसेंट कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो कहने का मतलब यह है कि जो प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के दौरान भाई एक मान के चलो पहले तो उन्होंने देखा कि ग्रेजुएशन में कितने नंबर है तो साठ परसेंट नंबर चाहिए चयन प्रक्रिया को पास करने का मतलब है हो सकता है कि चयन के लिए एक अलग से भाई जैसे तुम्हारे ग्रेजुएशन में कुछ परसेंट थे लेकिन अब यूपीएसआई का पेपर होगा यूपीएसआई के पेपर में अब की बार 35 परसेंट बाध्य सीमा है कि हमें वो पार करनी ही पड़ेगी जैसे पिछली बार 50 परसेंट थी ऐसे ही ये कह रहा है कि कम से कम 50 परसेंट कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो बात समझ में आ रही है आगे कह रहा है एक अक्टूबर दो को एक अक्टूबर दो को पैंतीस साल की उम्र पूरी कर ली हो उम्र पूरी कर ली हो पैतीस साल का चाहिए से कब चाहिए एक अक्टूबर 2016 को पैतीस साल का हो जाना चाहिए यह न्यूनतम एज है एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मापदंडों को पूरा किया है सिवाय बात को ध्यान समझना यह जो सिवाय शब्द है इसका, इसका अर्थ क्या है उसे भी बता रहा हूं उसे भी बता रहा हूं ध्यान समझना मैंने कहा मैंने कहा एक कई बार क्या होता है यहां पर जैसे तीन कंडीशन है ए बी सी कई बार क्या होता है इनमें से कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एग्जामिनर हमको छूट दे देता है जिसमें एग्जामिनर हमको छूट दे देता है लेकिन एग्जामिनर जिस किसी में भी छूट देता है उसका दूसरा उसका दूसरा मतलब जैसे भाई मान के चलो कि मैं कहूं कि भाई या तो ये चीज होनी चाहिए या ये होनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि यदि किसी चीज में छूट मिलेगी तो उस जैसा दूसरा कोई आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कैसे देखेंगे जैसे कि जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे इसने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सबसे पहली कंडीशन क्या है पहली कंडीशन कह रहा है कि ऊपर से यानी कि बी ऊपर लेकिन क्रैसी के क्षेत्र में इसना तकोत्तर की डिग्री ली है ली है तो मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है तो मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है कहने का मतलब यह बी के साथ है यानी मान के चलो अगर यहां बी लिख रहा है तो इसने बी के साथ समझौता किया है बी पर क्या था कम से कम 50 परसेंट कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो बात यह है कि अगर पचास परसेंट पांच पचास परसेंट यदि उसके नंबर चयन प्रक्रिया में नहीं है तो उसके पास दूसरा क्या होना चाहिए सर उसके पास होना चाहिए इस कृषि के क्षेत्र में इसना तकोत्तर की डिग्री ली हो इसना तकोत्तर की डिग्री ली हो कृषि के क्षेत्र में तो मामला किसे भेजा जाएगा उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा सर आगे क्या कह रहा है अब एक बार दूसरा पॉइंट बताई देता हूं और कहां पर छूट दे रहा है देखेंगे दूसरा कहां दे रहा है दूसरा छूट कहां दे रहा है ये भी देख लेंगे कह रहा है ए में भी छूट दे रहा है जो ए वाला था उसमें भी छूट दे रहा है लेकिन क्या कह रहा है लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% परसेंट से अधिक अंक हासिल किए होने चाहिए तो इस मामले को मुख्य महाप्रदप महा प्रबंधक को भेजा जा सकता है तो इस मामले को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है बात ध्यान समझेंगे मैंने क्या कहा सबसे पहले यह बताएंगे एक कंडीशन क्या थी कम से कम 60 परसेंट कुल अंकों के साथ कृषि क्षेत्र में स्नातक हो लेकिन वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है वो कह रहा है कि यदि 60 परसेंट कुल अंकों के साथ कृषि क्षेत्र में स्नातक नहीं है तो क्या होना चाहिए तो 60 परसेंट से अधिक हासिल किए होने चाहिए किसमें चयन प्रक्रिया में यानी अगर ग्रेजुएशन में साठ परसेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है आपने जो पेपर दिया है उसमें साठ परसेंट से ज्यादा होने चाहिए फिर मामला कहां भेजा जाएगा तो मामला महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है दोस्तों ये कंडीशन आपने बहुत शानदार तरीके से समझ ली होंगी एक बार फिर से सुकून से पढ़ लीजिए ये आपके सामने कंडीशन थी सवाल नंबर एक देखते हैं एक क्या कह रहा है पहला सवाल ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है कोई जो बच्चे आपस में इस समय बातचीत कर रहे हैं या तो वो अपने आप बातचीत बंद कर देंगे या तो वो अपने आप बातचीत अब बंद कर देंगे पढ़ाई पर ध्यान देंगे या फिर या फिर आपको लगता हो कि आपकी बातचीत बंद नहीं हो सकती तो वो भी इंतजाम है लेवल केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे कोई भी फालतू की बातें नहीं करेगा दोस्तों केवल पढ़ाई की बातें करेंगे अब ध्यान से देखेंगे मैं इसे भी थोड़ा सा जूम करे दे रहा हूँ इसे भी मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया सवाल की कंडीशन ध्यान से समझना और देखना सवाल क्या कह रहा है कह रहा है निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है सर निर्णय क्या लेना है वो निम्नलिखित चीजें पढ़ेंगे ये क्या बोल रहा है ये कह रहा है समीर एक बी एस बी एस सी समीर एक बी एस सी स्नातक है इसका मतलब यह है कि उसने भाई एक शर्त उसने यह दी थी ध्यान से देखो उसने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातक होना चाहिए अब एक बात बताओ जब उसने बीएससी कर ली जब उसने बीएससी कर ली कृषि स्नातक है बीएससी से किया है तो इसका मतलब उसने जो स्नातक की डिग्री है वो प्राप्त कर चुकी है और किससे सर के क्षेत्र में क्या कह रहा है और उसने 50 परसेंट कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। 50 परसेंट अंक आए हैं उसके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है दोस्तों एक बार ध्यान से देखेंगे उसने कितना मांगा था ग्रेजुएशन में ध्यान से देखना उसने कहा था उसने कहा था यानी परसेंट कुल अंकों के साथ कृषि क्षेत्र में स्नातक हो आगे 50% परसेंट कुल अंकों के साथ प्रक्रिया पास की हो अब क्या कह रहा है और उसने 50% परसेंट कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है बहुत शानदार आगे क्या कह रहा है जो उत्तीर्ण किया है ना इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि उसके उसमें 50 परसेंट नंबर है आगे कह रहा है ग्यारह पांच उन्नीस को उसका जन्म हुआ है और चयन प्रक्रिया में हासिल किए हैं हासिल किए हैं मैं अगर यह बोल सकता हूं कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है तो पचास परसेंट है और चयन प्रक्रिया में कितने परसेंट है तो बेहतर परसेंट है दोस्तों क्या आपको एक बात याद आ रही है सबसे पहली शर्त यह थी कि उसे कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए बात को ध्यान समझना सबसे पहली शर्त यह थी सबसे पहली शर्त यह थी कि कम से कम 60 परसेंट कुल अंकों से कृषि क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए बात को ध्यान समझना क्या ये बताओ पहली शर्त वो फॉलो करता है सर पहली शर्त वो ये तो फॉलो करता है कि उसने बीएससी कर रखा है उसने बीएससी कर रखा है यह तो फॉलो करता है लेकिन वो कह रहा है कि 60% परसेंट नंबर होने चाहिए लेकिन उसके कितने परसेंट परसेंट नंबर मतलब दूसरी शर्त फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन इस शर्त पर तो कोई कंडीशन भी तो दे रखी है उसे भी देखेंगे दूसरी शर्त क्या थी दूसरी शर्त यह थी कि 50% परसेंट कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया पास करना चाहिए और शानदार बात यह है कि इसके चयन प्रक्रिया में दोस्तों कितने परसेंट नंबर हैं बहत्तर परसेंट नंबर हैं इसका मतलब दूसरी वाली कंडीशन को भी फॉलो करता है दूसरी वाली कंडीशन को भी फॉलो करता है ये केवल अभी यहां अटका हुआ है ध्यान समझना अभी केवल यहां अटका हुआ है लेकिन देखते ही गलत मत करना अभी आगे देखते हैं क्या हो सकता है तीसरी शर्त क्या थी एक अक्टूबर 2016 को 35 साल की उम्र पूरी कर लेना चाहिए यानी एक अक्टूबर 2016 को पैंतीस साल की उम्र पूरी कर लेना चाहिए मुझे एक बात बताओ 1978 में जन्म हुआ है उसका 1978 में जन्म हुआ है क्या वो 2016 तक पैंतीस साल का नहीं हो जाएगा जल्दी से बताएंगे क्या वो 2016 तक पैंतीस साल का नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा इसका मतलब तीसरी शर्त भी वो फॉलो करता है तीसरी शर्त भी वो फॉलो करता है और दोस्तों आगे बात करूं तो अब मेरे पास चौथी शर्त शायद कोई नहीं थी मेरे पास कुल मिलाकर सी यानी तीन शर्तें थी इसका मतलब यह है कि यह बंदा केवल एक जगह फेल हुआ है केवल एक शर्त में फेल हुआ है और वह है पहली शर्त पहली शर्त क्या थी पहली शर्त क्या थी पहली शर्त यह थी पहली शर्त यह थी कि उसे ग्रेजुएशन होना चाहिए कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए और दूसरी बात यह है अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें भी 60 परसेंट नंबर होने चाहिए लेकिन इसके 50 परसेंट पर इसने पता है एक बात बोल रखी थी उसने एक बात बोल रखी थी उसने यह बोल रखा था कि यदि कृषि क्षेत्र में यदि कृषि क्षेत्र में यह क्या था बी कंडीशन थी कि कम से कम कम से कम क्या बोल रहा था ये यह बोल रहा था कि कम से कम कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर तो की डिग्री ली हो और मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है दूसरी शर्त क्या थी ए के साथ ये थी। भाई इसकी गड़बड़ ए में ही तो हुई है और ए में क्या बोल रहा है ऊपर लेकिन चयन प्रक्रिया में 60 परसेंट से अधिक होने चाहिए कहने का मतलब यह था कि यदि उसके ग्रेजुएशन में 60 परसेंट से कम है तो चयन प्रक्रिया में 60 से ज्यादा होने चाहिए और दोस्तों शानदार बात यह है उसके तो बेहत्तर परसेंट है इसका मतलब यह है कि उसने इस वाली कंडीशन को भी क्या कर लिया क्लियर कर लिया लेकिन इस वाली कंडीशन को क्लियर करने पर डायरेक्ट उसका चयन नहीं हो सकता उसमें क्या बोल रहा था यदि इस कंडीशन को यहां से क्लियर करेगा तो क्या कह रहा था तो मामले को मुख्य महाप्रबंधक के पास भेजा जा सकता है मामले को मुख्य महाप्रबंधक के पास भेजा जा सकता है जल्दी से बताएंगे क्या इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाना है महाप्रबंधक को भेजा जाना है एक बार मेरे सभी साथी जल्दी से थम्सअप करेंगे और तब समझ में आएगा कि कितना समझ में आ रहा है एक बार मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा एक क्योंकि नया टॉपिक है नई चीजें हैं बिल्कुल लेकिन यदि आप लोग सुकून से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आएगा एक बार जल्दी से बताएंगे गोस्वामी जी गोस्वामी जी बहुत बहुत खुश रहे आप हमेशा बहुत शानदार एक बार जल्दी से बताएंगे अगर यह टॉपिक आप लोग कर लेते हैं ना दोस्तों अगर आप लोग ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके छह नंबर पक्के होते हैं इस बात में कोई भी डाउट नहीं है दूसरा सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है से देखेंगे आगे देखेंगे क्या कह रहा है मुझसे क्या कह रहा है मैंने कहा इस कंडीशन को एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन बन सकती है इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन बन सकती है पहले कह रहा है दोस्तों अशोक मल्होत्रा ने पैंसठ परसेंट कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि क्षेत्र से किया है यानी देखो भाई कंडीशन क्या थी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं कंडीशन क्या थी मैं लिख देता हूं उसने कहा था साठ परसेंट कुल अंकों के साथ कृषि क्षेत्र में स्नातक यानी कहने का मतलब यह है स्नातक जो होना चाहिए स्नातक में स्नातक होना चाहिए साठ परसेंट नंबर होने चाहिए ग्रेसी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए 60% नंबर होने चाहिए दूसरी शर्त क्या थी दूसरी शर्त क्या थी दूसरी शर्त यह थी कि 50% से चयन प्रक्रिया पास चयन प्रक्रिया पास होनी चाहिए चयन प्रक्रिया पास होनी चाहिए 50% नंबरों से और दोस्तों तीसरी शर्त क्या थी वो भी देख लेते हैं तीसरी थी 2001 अक्टूबर 2016 को 35 साल का हो जाना चाहिए एक अक्टूबर 2016 को कितने वर्ष का हो जाना चाहिए 35 साल का हो जाना चाहिए अब ध्यान से देखेंगे अब ध्यान से देखेंगे कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूं टेंशन मत लो अब ध्यान से देखेंगे मुझसे क्या कह रहा है मुझसे यह क्या कह रहा है मुझसे कह रहा है अवनाश कुमार ने अट्ठावन प्रतिशत कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि क्षेत्र से किया है नंबर और एक बात बताओ स्नातक में से कितने परसेंट चाहिए इसे साठ परसेंट चाहिए बोलो इसे कितने परसेंट चाहिए थे इसे कुल साठ परसेंट चाहिए थे लेकिन इसके पास कितने परसेंट हैं इसके पास केवल और केवल अट्ठावन परसेंट नंबर है परसेंट नंबर है यानी पहली कंडीशन यह है कि स्नातक तो किया है लेकिन टोटल परसेंट नहीं कर पाया है आगे क्या कह रहा है और चयन प्रक्रिया में उसे अड़सठ प्रतिशत अंक मिले हैं चयन प्रतिक प्रक्रिया में अड़सठ परसेंट अंक मिले उसे तो पचास परसेंट ही चाहिए यानी ये तो क्लियर है यह तो क्लियर है आगे क्या कह रहा है चयन प्रक्रिया में उसे अड़सठ अंक मिलने के बाद पिछले महीने उसे अपना जर, अपना 36वां जन्मदिन मनाया इसका मतलब वो पैंतीस साल भी कंप्लीट कर चुका है वो पैंतीस साल भी कंप्लीट कर चुका है पैंतीस साल भी कंप्लीट कर चुका है तो दोस्तों एक बात बताओ गड़बड़ कहां जा रही है गड़बड़ जा रही है स्नातक वाले यानी फर्स्ट के मामले में गड़बड़ जा रही है स्नातक यानी कि फर्स्ट के मामले में गड़बड़ जा रही है चेक कर लेते हैं क्या आएगा चेक कर लेते हैं क्या आएगा एक बार ध्यान से देखेंगे फर्स्ट के मामले में फर्स्ट के मामले में क्या था कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा कृषि क्षेत्र के मामले में स्नातकोत्तर की डिग्री बोल रहा है अब एक बार चेक कर लो क्या इसने स्नातकोत्तर की डिग्री ली है सर अविनाश कुमार ने अट्ठावन प्रतिशत कुल अंकों के साथ बीएससी एस कृषि किया है बीएससी किया है इसने और चयन प्रक्रिया में उसे अड़सठ प्रतिशत अंक मिले हैं दोस्तों एक बात बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए ये किसके पास जाना चाहिए ये किसके पास जाना चाहिए सर ये तो उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा क्यों भेजा जाएगा क्योंकि उसके पास 60 परसेंट नहीं है अगर वो यहां पर अगर दोस्तों अगर दोस्तों वो यहां पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि चैन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने एक कंडीशन बोली है उसने एक कंडीशन बोली है कि यदि यहां पर नंबर कम है तो उसे कहां भेजा जा सकता है मुख्य महाप्रबंधक के पास भेजा जा सकता है अगला सवाल अगले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये, अच्छा ये तीसरा सवाल आ गया था क्या? ये तीसरा सवाल आ गया था। एक मिनट भाई एक मिनट फिर तो ये यार एक बार देख लेते हैं एक मिनट सुनेंगे मैंने कहा निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है अवनाश कुमार ने अट्ठावन परसेंट कुल अंक के साथ बीएससी किया है 58 के साथ बीएससी किया है इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन तो फेल है पहली कंडीशन तो फेल है और चयन प्रक्रिया में उसे परसेंट अंक मिले हैं अड़सठ परसेंट अंक मिले हैं जो पहली वाली कंडीशन है जिसमें हम मुख्य महाप्रबंधक के पास निर्णय भेज रहे थे एक ध्यान सुनेंगे जो हम मुख्य महाप्रबंधक के पास भेज रहे थे उसमें कंडीशन क्या थी उसमें कंडीशन ये थी कि ए में कंडीशन ये है कि चयन प्रक्रिया में 60 परसेंट से अधिक अंक हासिल किए होने चाहिए यानी यदि पहले वाले में कंडीशन बिगड़ती है तो आपके पास चयन प्रक्रिया में 60 परसेंट से अधिक अंक होने चाहिए दोस्तों एक बार देखते हैं इसके कितने हैं और इसके कितने हैं चयन प्रक्रिया में उसे अड़सठ प्रतिशत अंक मिले हैं तो भाई यहां पे तो बिल्कुल जाएगा यहां पे बिल्कुल हाँ एक पीछे रह गया कोई बात नहीं है एक से हम डायरेक्ट तीन पे आ गए हैं एक दूसरा रह गया उसे अब कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है एक बार ज्यादा हो गया था तो एक बार अब देख लेंगे तो मैंने यहां से क्या बोला मैंने यहां से क्या बोल दिया मैंने यहां से बोल दिया कि मेरे पास आंसर आएगा मुख्य महाप्रबंधक को भेज देना चाहिए एक बार इस सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे जो दूसरा वाला रह गया वो ये सवाल था वो ये सवाल था ध्यान से देख लेंगे इसे भी इस सवाल को भी ध्यान से देख लेंगे जो क्वेश्चन रह गया था मैंने कहा निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है अशोक मल्होत्रा ने पैंसठ परसेंट कुल अंकों के साथ बीएससी एस कृषि किया है पैंसठ परसेंट अंक आए हैं पैंसठ परसेंट अंक आए हैं यह बताओ दोस्तों बीएससी में यानी कृषि के क्षेत्र में उसे कितने अं... पहली कंडीशन क्या थी 60 परसेंट चाहिए कृषि के क्षेत्र में स्नातक में 60 परसेंट चाहिए और अशोक मल्होत्रा के कितने हैं अशोक मल्होत्रा के पैंसठ प्रतिशत है इसका मतलब पहली कंडीशन को तो ये पास कर चुका है भाई उसे 60 परसेंट चाहिए अशोक के पैंसठ परसेंट है इसका मतलब अशोक के तो ज्यादा है अशोक के तो ज्यादा है आगे देखेंगे आगे देखेंगे और आगे क्या कह रहा है और कृषि के क्षेत्र में इसना तकोत्तर डिग्री ली है इसना तकोत्तर डिग्री ले ली है इसने ध्यान से समझ लेना आगे कह रहा है तैतालीस परसेंट के साथ चयन प्रक्रिया को उत्तीर्ण किया है तैतालीस परसेंट के साथ चयन प्रक्रिया को उत्तीर्ण किया है दोस्तों एक बात बताओ मुझे चयन प्रक्रिया में कितने नंबर चाहिए थे चयन प्रक्रिया में कितने नंबर चाहिए थे चयन प्रक्रिया में 50 परसेंट नंबर चाहिए थे लेकिन इस बंदे के लेकिन इस बंदे के कितने प्रतिशत नंबर आए हैं इस बंदे के केवल तैतालीस प्रतिशत नंबर आए हैं लेकिन पता है उसने एक बात बोली थी उसने एक बात बोली थी हां पचास परसेंट चाहिए मनोज पंडित जी मनोज पचास परसेंट चाहिए तैतालीस परसेंट लेकिन उसने एक बात बोली थी कि यदि आपके पास ध्यान से देखना उसने एक बात क्या बोली थी कि यदि आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके पास पचास परसेंट नहीं है देखो बी के साथ समझौता था ये जो पचास परसेंट वाला था चयन प्रक्रिया वाला ये बी ही तो पॉइंट है और ये देखो बी ही पॉइंट है ये बी में क्या कह रहा है अगर आपके पास पचास परसेंट नहीं है ना तो आपको भाई साहब स्नातकोत्तर की डिग्री ले लेनी चाहिए अगर आपके पास स्नातक उत्तर की डिग्री है तो भाई साहब मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ इसके पास यदि मैं ध्यान से देखकर बताऊं इसके पास यदि मैं ध्यान से देखकर बताऊं तो तैतालीस परसेंट नंबर तो है उसे 50 परसेंट चाहिए लेकिन यह बताओ क्या इसके पास कृषि के क्षेत्र में स्नातक उत्तर डिग्री नहीं है सर स्नातक उत्तर डिग्री है इसके पास और यदि ऐसा है दोस्तों दूसरी बात उन्नीस में पांच अक्टूबर को इसका जन्म हुआ है तो ये निश्चित रूप से पैंतीस साल पूरी कर लेगा 2016 में और यदि कर लेगा तो इसका केस किसके पास जाना चाहिए दोस्तों इसका केस जाना चाहिए उपाध्यक्ष के पास उपाध्यक्ष के पास इसका केस जाना चाहिए सब कंडीशन फॉलो कर रहा है एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था और वो कंडीशन कौन सी थी कि चयन प्रक्रिया में 50 परसेंट नंबर नहीं थे इसके इसके केवल 43 परसेंट नंबर थे और यदि 43 परसेंट नंबर थे तैतालीस परसेंट नंबर थे तो दोस्तों उसने एक बात और बोली थी कि यदि आपने सर <laughs> तर इस तरह से पढ़कर तो हम सब बच्चे करते ही है प्लीज सर जैसे आपने और टॉपिक से समझाया इसमें भी कुछ अलग से समझा दो आदर्श प्रताप सिंह जी अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर बताता केवल और केवल भैया मनोज पंडित जी इसमें ट्रिक नहीं है इसमें ट्रिक नहीं है ये कोई सवाल ऐसे थोड़े ही जिसमें ट्रिक है आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हिसाब लगाना पड़ेगा कि किस में क्या कंडीशन है किस में क्या कंडीशन है कोई ट्रिक नहीं है कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं आप लोग मुझसे आप लोग मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं डिफिकल्ट नहीं है मोनिका जी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझोगे तो हो जाएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग और बिल्कुल भी टफ नहीं है बस समझेंगे बिल्कुल भी टफ नहीं है ट्रिक नहीं है मेरे भाई कहां से बता दू ट्रिक कभी कभी ढंग से ऐसे भी पढ़ लिया करो अब ये हमारी नॉलेज को जांचने के लिए क्वेश्चन होते हैं ये बस ऐसे देखने होते हैं कि हाँ किस प्रकार से हम सोच सकते हैं तो हमारी सोच के लिए होते हैं अब जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ये सब हमें सोचने पड़ेंगे दोस्तों ध्यान समझ लेना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात समझ में आ रही है तो इसलिए और एक और बात जब तक आप लोगों ने ये चीज मन बना लिया कि आप लोग आप लोगों ने ये मन बना लिया कि हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आप लोग बेहतरीन तरीके से एक बार जबरदस्त तरीके से कोई दिक्कत नहीं पहले सवाल के तीन सवाल अब खत्म हो गए अगले सवाल पर एक नई उमंग के साथ एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे किसी ने शानदार कहा है गिर कर उठना उठ कर चलना यह क्रम है संसार का वीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है पुरस्कार बन जा आप सभी के लिए गेट बंद कर दो आप सभी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी प्लस यूपीएसआई दोनों पेपर के लिए वर्बल रीजनिंग की महामैराथन क्लास सुबह आठ बजे से सर बिल्कुल सही देख रहे हैं आप सुबह आठ बजे से शाम के आठ बजे तक कब होने जा रही है 17 अक्टूबर अर्थात रविवार को होने जा रही है दोस्तों सुबह आठ बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा लगातार बारह घंटे की एक क्लास होगी मेरे सभी वो साथी एक बार थम्सअप कर देंगे जो बहुत ज्यादा दिल से इस क्लास को लेंगे और सभी लोगों को शेयर करेंगे सभी लोगों को शेयर करके बताएंगे सर आपका तो गला बैठ गया है अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है ये बात तो बिल्कुल सही है बहुत शानदार बहुत शानदार एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से दिखा देंगे कि कितने आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं लगातार बारह घंटे सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक हम लोग पढ़ रहे होंगे संडे में दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे अब ध्यान से देखेंगे <laughs> पानी लाना नहीं क्लास बहुत शानदार हां बिल्कुल आसान है बस सोचने की जरूरत है आसान है बस सोचने की जरूरत है अब ध्यान से देखेंगे चलो <laughs> अब ध्यान से देखेंगे सवाल को इसे अब कर, इसे अब ढंग से पढ़ेंगे अब इसे ढंग से पढ़ेंगे जरूर समझ में आएगा जरूर समझ में आएगा जरूर समझ में आएगा एक बार जय हिंद नाम से जल्दी से कमेंट कर देंगे जय हिंद की कमेंट यदि आप क्या रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बिल्कुल तैयार हैं संडे को रविवार को सुबह आठ बजे जल्दी से एक बार जय हिंद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में बहुत शानदार तरीके से बहुत शानदार बहुत शानदार उसे भी गिर जाता है ऐसे। चलो बहुत बढ़िया सवाल को ऐसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों एक बार एक बार दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन यह कह रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है सही भाई चार से छह तक है कहने का मतलब यह है तीन सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं तीन सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं ध्यान समझ लेना बहुत शानदार क्या कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए योग्यता के मापदंड हैं। भैया वैकेंसी निकली है भैया वैकेंसी निकली है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की वैकेंसी निकली है लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है वो नीचे लिखी हुई है योग्यता यह है कि उम्मीदवार को यह मत समझना एबीसीडी क्या है यानी यह चार योग्यता चाहिए यह चार योग्यता चाहिए उम्मीदवार को पहली योग्यता 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए पहली योग्यता यह है 45 वर्ष से सर आप गले को ठीक कर लीजिएगा सर गुनगुना पानी ले लीजिए सर आप तेज बोलकर पढ़ाते हैं तो क्लास से ऊपर जाता है पर आज आपका हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा है चलो कोई बात नहीं हाँ भाई आज थोड़ी सी दिक्कत है दिक्कत दो तीन दिन से चल रही है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन छुट्टी इसलिए नहीं कर सकता हूं कि यार आपके एग्जाम नजदीक ही है तो बस कोई दिक्कत नहीं है बाकी थोड़ा सा फीवर है बुखार है और थोड़ा एक दो दिन से तबीयत अभी परसों इसीलिए क्लास नहीं ले पाया था उस दिन ज्यादा तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लग रहा था क्लास ले ही नहीं पाऊंगा तो क्लास नहीं ले पाया था आज हल्की सी राहत है तो क्लास ले रहा हूं आपके सामने संडे में बारह घंटे क्लास हम जरूर ले रहे होंगे चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों ये पक्का वादा है आपसे सुबह आठ से रात आठ तक जरूर ले रहे होंगे ध्यान से देखेंगे तो पहली कंडीशन है पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए दूसरी बात दूसरी बात किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए किसी देश का राष्ट्रपति होना चाहिए ध्यान रखना आगे यानी पूर्व मतलब पहले राष्ट्रपति होना चाहिए आगे क्या कह रहा है सदस्य देशों के सत्तर परसेंट या उससे अधिक का समर्थन होना चाहिए कहने का मतलब है सत्तर परसेंट का तो होना ही चाहिए सत्तर परसेंट का तो होना ही चाहिए उससे ज्यादा तो कुछ भी हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ता उस देश से होना चाहिए जो कम से कम दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है कहने का मतलब यह है दस वर्ष से यदि कोई देश आ, है तो वहां पर होना मतलब ये उसने साफ साफ बोला है उस देश से होना चाहिए जो कम से कम दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है यानी कम से कम दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वो देश होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तो भाई साहब कितने का भी हो सकता है यह तो कम से कम की बात है आगे मुझे यह कुछ ऑफर दे रहा है सर ऑफर क्या दे रहा है पहले पे बोल रहा है कि अगर उम्मीदवार पहले से समझना अगर उम्मीदवार ऊपर दिए मापदंड पूरे नहीं करता है सिवाय सिवाय दो के किस, किस के दोस्तों पहली कंडीशन उपरोक्त तो बी यानी एक तो इसमें छूट मिली है बी वाले में ध्यान समझना एक तो बी वाले में छूट मिली है और एक किस में मिली है उपरोक्त डी यानी एक इसमें छूट मिली है लेकिन जब छूट मिली है ना तो उसकी दूसरी कंडीशन भी मिली होगी वो कंडीशन क्या है वो समझेंगे पहले में कह रहा है उपरोक्त बी के परंतु एक बी में क्या कह रहा था वो कह रहा था किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए अब इसने एक छूट दे दी कि चलो राष्ट्रपति ना कोई बात ना है। इसने एक छूट दे दी दूसरे वाले में कोई राष्ट्रपति ना चलो कोई बात नहीं है तो एक काम कर लेते हैं वो कह रहा है परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की होनी चाहिए तो मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास जा सकता है कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है पूर्व राष्ट्रपति तो योग्यता है लेकिन मान के चलो पूर्व राष्ट्रपति नहीं है तो कोई बात नहीं है विदेश मंत्री होना चाहिए पहला और विदेश मंत्री होगा तो मामला किसके पास जाएगा संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पास जाएगा आगे क्या कह रहा है परंतु यानी डी में क्या कह रहा था उस देश से होना चाहिए जो कम से कम दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है कहने का मतलब यह है यदि आपके पास आपका देश ऐसा नहीं है जो दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो यह कह रहा है वह ऐसे देश से है जो पांच वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और पिछासी प्रतिशत सदस्य देशों का समर्थन भी है कहने का मतलब यह है दस वर्ष का ना तुम्हारा देश कोई बात नहीं है तो कंडीशन ये पांच वर्ष का होना चाहिए लेकिन साथ में पिचासी प्रतिशत देशों का समर्थन भी मिलना चाहिए पिचासी से ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो मामला कहां जाएगा मामला संयुक्त मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जा सकता है बात समझ में आ रही है बहुत शानदार बहुत बेहतरीन अब ध्यान से देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों थोड़ा सा जूम करे देता हूं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा जूम करे देता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है <coughs> तो ये क्या कह रहा है भाई ये क्या कह रहा है यह कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें, उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा कह रहा है अनजब जिमियो ये किसी का नाम है यह किसी का नाम है ध्यान से समझना मेरे दोस्तों यह किसी का नाम है अनजब जिमियो दक्षिण अफ्रीका पूर्व राष्ट्रपति बावन वर्ष के हैं कहने का मतलब यह है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं और इनकी उम्र कितनी है बावन वर्ष है दोस्तों ये चीज देखते हैं कि उसे वर्ष कितनी चाहिए थी उसे उम्र कितनी चाहिए उसे तो 45 वर्ष चाहिए उसे तो केवल 45 वर्ष चाहिए और इस बच्चे की मतलब इस राष्ट्रपति की उम्र कितनी है इनकी उम्र बावन वर्ष है मुझे यह बताओ पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, बावन वर्ष उम्र भी है बहुत शानदार यहां तक बहुत बढ़िया चल रहा है आदमी बिल्कुल क्वालिफिकेशन के ये मान लो क्या चुनाव के उस नजदीक बैठा है आगे कह रहा है उन्हें चौहत्तर परसेंट सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है चौहत्तर परसेंट का प्राप्त हो रहा है एग्जामिनर को कितना चाहिए एग्जामिनर को सत्तर तो परसेंट का ही चाहिए। 70 का मिल जाए या उससे ज्यादा मिल जाए। अब एक बात बताओ सत्तर चाहिए और उसे चौहत्तर मिल रहा है बहुत शानदार मिल रहा है बहुत शानदार मिल रहा है आगे बढ़ रहा हूं यहां तक तो ये एकदम बेहतरीन जा रहा है आगे जबकि वह है, जिस देश का नागरिक है उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में दस वर्ष पूरे नहीं किए हैं दस वर्ष पूरे नहीं किए हैं दोस्तों दस वर्ष पूरे नहीं किए हैं बात ध्यान समझना दस वर्ष पूरे नहीं किए वो जिस देश का नागरिक है उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में दस वर्ष पूरे नहीं किए क्या दस वर्ष की कोई कंडीशन थी चेक कर लेते हैं क्या दस वर्ष की कोई कंडीशन थी सर कंडीशन थी ये वाली उस देश से होना चाहिए जो कम से कम दस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और यह कहा डी पर था अच्छा डी में तो यह बताओ छूट भी तो मिली थी यही तो डी है इसमें क्या छूट मिली थी परंतु वह एक ऐसे देश से हो जो पांच वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और पिछासी परसेंट सदस्य देशों का समर्थन भी है यानी कहने का मतलब यह है यानी कहने का मतलब यह है कि यदि दस वर्ष से दस वर्ष से सदस्य नहीं है तो पांच का हो और समर्थन कितना हो का हो का भैया दिक्कत वाली बात यार इसके साथ ये हो गई यार इस भैया के साथ दिक्कत वाली बात ये हो गई कि दस वर्ष तो इसने पूरे किए ही नहीं है और जो इसे समर्थन मिल रहा है वो मिल रहा है केवल चौहत्तर का दोस्तों शर्त ये थी कि यदि उसने यदि यदि उसने यदी उसने दस वर्ष हासिल मतलब दस वर्षों से दस वर्षों से नहीं है तो चौहत्तर नहीं कम से कम पिचासी होना चाहिए और इसके केवल और केवल कितने चौहत्तर है इसका मतलब इस उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा इस उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा बात समझ में आ रही है अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे इसका चयन नहीं किया जाएगा बहुत शानदार थम्सअप करके बता देंगे यदि बातें क्लियर है तो दूसरा सवाल इस सवाल पर चलते हैं इस सवाल पर चलते हैं दोस्तों यह सवाल क्या कह रहा है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है आते समझते हैं जूम करे दे रहा हूं कह रहा है पूर्व ऑस्ट्रेलिया यहां से पढ़ो यहां से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी नाक्रीजेन नाम है इनका एक उन्चास वर्षीय प्रख्यात नेता है भाई एक बात बताओ उसे तो पूर्व राष्ट्रपति चाहिए था लेकिन ये कौन है ये विदेश मंत्री है दोस्तों एक बात बताओ ये विदेश मंत्री है उसे क्या चाहिए उसे राष्ट्रपति चाहिए लेकिन उसने राष्ट्रपति नहीं है तो विदेश मंत्री के लिए एक छूट भी दे रखी थी ध्यान से समझ लेना आगे क्या कह रहा है इसकी उम्र कितनी है उनचास वर्ष दोस्तों इनकी उम्र वर्ष है और एग्जामिनर को कितनी चाहिए केवल 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए सही है 45 होना चाहिए उसके लिए तो न्यूनतम और वो उनचास का है आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है जिन्हें इकहत्तर प्रतिशत सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है इकहत्तर प्रतिशत का प्राप्त हो रहा है दोस्तों और भाई साहब चाहिए कितने का सत्तर प्रतिशत का सत्तर का चाहिए इकहत्तर का मिल रहा है अगली शर्त पढ़ते हैं दोस्तों आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया पिछली दो दशकों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है इसका मतलब है बीस साल से सदस्य है ये तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे एक बात बता दो छोटी सी उसे कितनी साल का चाहिए था उसे तो दस वर्ष से ही सदस्य चाहिए केवल दस वर्ष से और वो तो दो दशक से है इसका मतलब ये है इसने सारी की सारी कंडीशन अप्लाई कर ली है सिवा एक कंडीशन के और वो कंडीशन क्या है दोस्तों वो कंडीशन ये है कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति कौन है ये विदेश मंत्री है ये व्यक्ति कौन है विदेश मंत्री है सर विदेश मंत्री के लिए कोई औपचारिकता दी गई थी क्या क्या दी गई थी देखेंगे विदेश मंत्री के लिए क्या दिया गया था विदेश मंत्री के लिए क्या दिया गया था तो मैं यहां से देखूंगा कि बी कि कंडीशन पे था किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए और नीचे क्या लिख रहा था अगर राष्ट्रपति नहीं है भाई सिवाय में यही चीजें तो आती है छूट कहां मिल रही थी सिवाय का मतलब जहां पे छूट मिलती है क्या कह रहा था उपरोक्त यानी राष्ट्रपति नहीं है तो परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की होनी चाहिए तो मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है यह बताओ इसकी सब बातें क्लियर हैं इसकी सब बातें क्लियर हैं और यह बस एक बात है कि ये राष्ट्रपति नहीं है से बात पे भी छूट दे दी कि राष्ट्रपति नहीं है तो कोई बात नहीं है विदेश मंत्री होगा तो भी चल जाएगा लेकिन ऐसे केस में संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास मामला जाएगा तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष का ऑप्शन कहां है संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष का ऑप्शन कहां है तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पर मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा बहुत शानदार बहुत शानदार जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो यकीन मानेंगे बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अगले सवाल पर चलते हैं बहुत शानदार तरीके से करेंगे जल्दी से करेंगे इस सवाल को इस सवाल को पीछे से कंडीशन देखते हुए सही करेंगे इस सवाल को पीछे से कंडीशन देखते हुए बहुत सुकून से करेंगे और बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे बहुत शानदार तरीके से करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे क्या कह रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आएंगे दोस्तों एक बार ध्यान से भाई आज बिल्कुल यार तबियत एकदम ठीक नहीं साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी आज गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी हो रही है चलो कोई बात नहीं आप जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों बी आंसर आ रहा है मेरे भाइयों का बी आंसर आ रहा है मेरे भाइयों का इसका मतलब राष्ट्र उच्चायुक्त के पास आप भेज रहे हैं चलो देख लेते एक बार देख लेते हैं एक बार अरे कौन भैंस बेच रहा है भैया अरे हरीश सिंह यहाँ भैंस बेक रहे हो भैया हरीश सिंह कह रहे हैं अपनी भैंस दो किससे कह रहे हो हरीश सिंह का भैया भैंस के सौदा कर रहे हो यार पढ़ने भाई भाई पढ़ ले जिंदगी भर भैंसी फिर पढ़ ले मेरे भैया लिया भाई साहब भैंस बेक रहे हैं ब्लॉक करो यहाक है यार बिजनेस करवाऊ मैं तो पे अभी रुक जा मैं तो पे बिजनेस करवाऊ भाई साहब बिजनेस कर रहा था यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो यहां मास्टर की आवाज ना निकल रही गले में दर्द हो रहा है बुखार में पढ़ा रहे हैं और तुम बिजनेस कर रहे हो ए? अरे पढ़ लो मेरे भैया पढ़ लो अब यहां देखेंगे क्या कह रहा है कंडीशन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा अब ध्यान से देखना यह कह रहा है यह कह रहा है एक तड़ेसठ वर्षीय नोबल पुरस्कार विजेता मार्को अल्बेटा अल्बेटो लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं बहुत शानदार राष्ट्रपति क्लियर हो गया राष्ट्रपति हैं आगे कह रहा है जिन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण 90 प्रतिशत सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है 90 प्रतिशत का प्राप्त है राष्ट्रपति भी है 90 प्रतिशत का प्राप्त है और समर्थन तो केवल 70 परसेंट का ही चाहिए था उन्हें कितने का प्राप्त है उन्हें कितने का प्राप्त है 90 प्रतिशत का 90 प्रतिशत का।, का प्राप्त है तो दोस्तों एक बात बताओ अब तक दोनों बात क्लियर जा रही है आगे कह रहा है उन्होंने अपने देश की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने नामांकन की घोषणा की है यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ में जा रहा है यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ में जा रहा है वो कह रहे हैं कि सातवी वर्षगांठ यानी अभी केवल सात वर्ष ही हुई है लेकिन दोस्तों उसे कितनी वर्ष चाहिए उसे तो दस वर्ष चाहिए उसे तो दस वर्ष चाहिए लेकिन उसने डी में एक छूट भी दी है उसने डी में एक छूट भी दी है उसने क्या कहा था उपरोक्त डी के परंतु वह यानी यदि दस वर्ष नहीं हुई है ना तो वो एक छूट दे रहा है कि वह ऐसे देश से हैं जो पांच वर्षों से हैं। सही बात है वो तो सातवीं वर्षगांठ बना रहे हैं वो सातवीं वर्षगांठ बना रहे हैं और ये पांच वर्षों की बात कर रहा है और पिछासी प्रतिशत सदस्य देशों का समर्थन भी है पिछासी प्रतिशत का भाई साहब अगले के पास तो कितने प्रतिशत का है उसके पास कितने प्रतिशत का है उसके पास तो उसके पास तो भाई तुम देखो नब्बे का है इसका मतलब यह है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका मामला किसके पास जाएगा ऐसे केस में जो मामला जा रहा था राष्ट्र उच्चायुक्त के पास जा रहा है राष्ट्र उच्चायुक्त के पास जा रहा है यानी आंसर आएगा राष्ट्र उच्चायुक्त के पास ये मामला भेजा जा सकता है दोस्तों राष्ट्र उच्चायुक्त के पास ये मामला भेजा जा सकता है और भेजा ही जाएगा यानी राष्ट्र उच्चायुक्त कहां है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास ये मामला भेजा जाएगा बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार। क्वेश्चन पर चलते हैं अरे आराम नहीं, अब तो 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 अगर चालू 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 हो गई तो क्लास चालू हो 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 गई गई, गई गई, भाई दोस्तों, क्लास चालू हो गई तो क्लास चालू हो गई और अभी लगभग क्लास एक घंटे और चलेगी बिल्कुल भी आप ये तो भूल ही जाओ कि एक घंटे से पहले क्लास छूट जाएगी चाहे कुछ भी हो जाइए क्लास या तो स्टार्ट ही ना होती और हुई है तो बढ़िया तरह से चलेंगे दोस्तों टेंशन मत लेंगे आगे चलते हैं जल्दी से इस जानकारी को पढ़ेंगे सभी लोग इस जानकारी को जल्दी से पढ़ेंगे जल्दी से इस पढ़ेंगे जानकारी को दोस्तों और मुझे बताएंगे आप क्या समझ पा रहे हैं सात से नौ तक सवाल आपको यहीं से करने कह रहा है एक अनुसंधान संस्थान को अन्य दायित्वों के अलावा अपने सूचना स्रोत को डिजिटल रूप प्रदान करने हेतु तो एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता है दोस्तों एक लाइब्रेरियन चाहिए आगे कह रहा है प्रार्थी को निम्न आहारताओं को पूरा करना है आहारताओं का मतलब है कि जो उसमें कंडीशन है जो चीज़ें मांगी गई हैं वो वहां पर देनी है क्या है वो पहला कह रहा है उसकी आयु उसकी आयु एक ग्यारह दो हजार सोलह को पच्चीस वर्ष से कम और चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब है पच्चीस और चालीस के बीच में होनी चाहिए आगे कह रहा है पैंसठ प्रतिशत कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए तीसरा क्या कह रहा है विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम चार वर्ष का प्रशिक्षा अनुभव हो तथापि यदि प्रत्याशी उपयुक्त अहर्ताएं पूरी करता है सिवाय आगे इसने सिवाय बोल दिया है सिवाय में क्या बोल रहा है उपयुक्त में यानी इसमें किस किस में छूट दे रहा है देखो यह है सेकंड में छूट दे रहा है सेकंड वाले में लेकिन क्या कर रहा है लेकिन यदि उसके पास यूसीजी एनईटी प्रमाणन है एन प्रमाणन है तो उसके मामले को संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा लेकिन कब भेजा जाएगा कब भेजा जाएगा भेजा जब जाएगा जब मैं ये बोल सकता हूं कि उसके पास यूसीजी एन प्रमाणन है बहुत शानदार ये छूट किस में मिली है सेकंड वाले में ये छूट मिली है यानी पैंसठ परसेंट यदि नहीं है तो हम ये कह सकते हैं यूसीजी का प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा और आगे क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है दूसरी छूट किस में दे रहा है अच्छा एक ही छूट मिली है इस बार इस बार तो एक ही छूट मिली है भैया अच्छा इस बार एक ही छूट मिली है कोई नहीं सवाल पे आते हैं सवाल क्या, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि आपको सभी मामले एक ग्यारह दो हजार सोलह को दिए गए हैं आगे कह रहा है ऊषा ने उषा ने मदुराई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की उपाधि प्राप्त की है डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की उपाधि प्राप्त की है दोस्तों एक बात बताओ एक बात बताओ मुझे छोटी सी इसे क्या चाहिए इसे क्या चाहिए इसे यह कंडीशन चाहिए थी कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम चार वर्ष का प्रशिक्षा अनुभव हो यदि प्रत्याशी उपयुक्त आहताएं पूरी करता है सिवा ही अलग बात थी लेकिन यह क्या कह रहा था पैस... ये से पढ़ो सेकंड वाले को पैंसठ परसेंट कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी में और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए पैंसठ परसेंट के साथ होनी चाहिए और ये क्या कह रहा है इसमें यह कह रहा है उषा ने तिरसठ प्रतिशत से प्राप्ति की है डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और कितने तिरसठ परसेंट से प्राप्त की है मुझे एक बात बताओ आगे क्या करें ऊषा ने वर्ष २००० में यूजीसी एनईटी योग्यता प्राप्त की 2000 में यूजीसी एन योग्यता प्राप्त की जब वह 23 वर्ष की थी जब वह 23 वर्ष की थी यानी कहने का मतलब यह है कि 2000 में वो 23 वर्ष की थी अब मुझे एक बात बताओ तुमको आंकड़े कब दिए गए सोलह सौ में तो यदि मैं तेईस में भाई 2000 में यह तेईस की थी तो 2016 में तेईस में 16 जुड़ जाएगा इसका मतलब छह तीन नौ और दो तीन उनतालीस वर्ष की ये अब हो जाएगी और दोस्तों इसे कितना चाहिए इसे 25 और 40 के बीच में होना चाहिए 25 और 40 से बीच में होना चाहिए अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ ये उनतालीस की हो रही है क्या यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इसके कुछ वर्ष कुछ महीने कुछ दिनों का अंतर आ रहा है चलो कोई नहीं वो भी देख लेंगे अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे आगे क्या कह रहा है आगे मुझसे क्या कह रहा है मुझसे कह रहा है कि जब वह चलो यह तो ले लिया विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में छह वर्ष का प्रशिक्षता अनुभव है कितने वर्ष का अनुभव है छह वर्ष का अनुभव है बहुत शानदार छह वर्ष का अनुभव है जल्दी से बताएंगे बहुत शानदार बहुत शानदार अब ध्यान से देखेंगे मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं इसकी कंडीशन देखू तो यहां से यहां से मैं एक बात ही तो बोल सकता हूं इसने सेकंड में छूट दी की पैंसठ परसेंट कुल अंकों से लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए लेकिन मैं इसे देखता हूं तो इसके पास जो स्नातक की उपाधि है उसमें तड़ेसठ परसेंट अंक हैं यानी पैंसठ परसेंट चाहिए थे और इसके केवल तड़ेसठ परसेंट अंक हैं तो दोस्तों एक बात बताओ इसके केवल परसेंट हैं, पर उसने एक बात बोली थी कि यदि उसके पास यूसीजी एनिटी प्रमाणन है तो मामला संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा कोई बात नहीं है उसके पास पैंसठ परसेंट नहीं है तड़ेसठ परसेंट है, तो भी चल जाएंगे क्योंकि उसने क्योंकि उसने यू सी जी जो हमने बोला है एन ई टी वाला कोर्स कर रखा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हो गया कि मामला कहाँ भेजा जाएगा संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा कहीं पर मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या कहां है ऑप्शन प्रत्याशी को संस्थान के निदेशक के पास यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट में बैठा हुआ है सबसे लास्ट में बैठा हुआ है बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया है यह अच्छी बात है अगले सवाल पर चलेंगे और बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बहुत शानदार तरीके से और आप लोग खुद भी कर रहे हैं ये अच्छी बात है देखो भाई क्योंकि इन सवालों की कोई ट्रिक नहीं होती है कोई भी ट्रिक नहीं है हर एक चीज पढ़नी होती है क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है कितनी चीजें मांगी थी कितना डाटा मिल रहा है वो सब चीजें मालूम होनी चाहिए और यदि कोई कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आंकड़े नहीं आ पाते तो वहां पर आंकड़े अपर्याप्त भी आते हैं ऐसे सवाल भी हमें अभी आगे देखने को मिलेंगे ध्यान से देखेंगे अगला सवाल ये सवाल बताओ मुझे जल्दी मुझे ये सवाल जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे क्या इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं जल्दी से चलेंगे दोस्तों एक बार जल्दी से देखेंगे मैंने बोला एक बच्चा कह रहा सिलेक्शन हो जाएगा देख लेते हैं एक बार एक बार देख लेते हैं एज कम है एक बच्चा कह रहा है एज कम है नो सिलेक्शन कोई बात नहीं यदि एज कम गया, है तो एक बार चेक कर लेते हैं और यदि एज की बात है तो केवल एज को ही चेक कर लेते हैं एज में तो कोई छूट भी नहीं मिल रही है एज अगर एज कम हो गई ना तो वास्तव में सेलेक्शन नहीं हो पाएगा एज एक बार देख लेते हैं रहा उसने दो उसने 2016 में 23 वर्ष की आयु में यूजीसी ने भाई साहब इसे तो देखते ही कर देंगे ये तो देखते ही हो जाएगा वो कह रहा है 2016 में उसकी आयु 23 वर्ष है भैया 23 वर्ष की लड़की क्या है लड़की है लड़का है विद्या लड़की तो है दोस्तों 23 वर्ष की लड़की ने यूजीसी नेट कर रखा है तो बहुत शानदार बात है लेकिन वो ये कह रहा है कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है सबसे बड़ी बात यही है कि आप केवल हिंट को पकड़ेंगे केवल लॉजिक को पकड़ेंगे मुझे ये बताओ आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उम्र चाहिए न्यूनतम कितने वर्ष आइए दिखाता हूं न्यूनतम वर्ष साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उम्र है वो चाहिए 2016 में 25 वर्ष से कम और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका मतलब 25 से ज्यादा होनी चाहिए 40 से कम होनी चाहिए वो अभी तेईस साल की है बेचारी इसका मतलब यह हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा अभी सिलेक्शन नहीं होगा दो साल और इंतजार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी में लगेगी वो भाई सिलेक्शन नहीं होगा कहां है ऑप्शन प्रत्याशी का चयन नहीं किया जाना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है बहुत शानदार अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल ये रहा जल्दी से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे जल्दी से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे बहुत बढ़िया बहुत शानदार जल्दी से करेंगे जूम कर करें, देता हूं टेंशन मत ले करो तुम एक बच्चा कह रहा सर पता नहीं इंग्लिश में लिख रहा है पता नहीं कैसे लग रहे हो क्वाइट कह रहा है क्यूट कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है चलो जो भी कह रहा है बढ़िया ही कह रहा होगा चलेंगे दोस्तों बहुत शानदार बहुत शानदार इस सवाल का आंसर देते हैं इस सवाल का आंसर पहले चीजों को समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सभी मामले एक ग्यारह दो हजार सोलह में दिए हैं मेघा ने उनहत्तर प्रतिशत अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है बहुत शानदार उनहत्तर परसेंट नंबर लाइए कितने चाहिए थे कितने चाहिए थे नंबर चाहिए थे टोटल टोटल 65 परसेंट और उसके हैं उनहत्तर परसेंट बहुत शानदार बात है बहुत शानदार बात है आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है वह रांची विश्वविद्यालय में प्रशिक्षु के पद पर काम कर रही है बहुत बढ़िया भैया उसने हाल ही में अपना जन्मदिवस ओ यार। इसने ये तो बता ही ना कि कौन सा जन्मदिवस मनाया है मुझे ये बताओ क्या इसने ये बनाया है क्या इसने ये बताया है कि कौन सा जन्मदिन मनाया है वो कह रहा उसने हाल ही में जन्मदिन मना दिया भाई जन्मदिन तो मना दिया मोमबत्ती कितनी लगाई हो तो पूछ लेते भाई जन्मदिन मना दिया मोमबत्ती कितनी लगाई हो तो पता ही नहीं है और मुझे जब तक यही नहीं पता लड़की की उम्र कितनी है या लड़का है मेघा लड़की है तो मुझे यही नहीं पता मुझे यही नहीं पता कि एज कितनी है और एज अगले ने यह कह रहा कि अगर पच्चीस साल से छोटे ने मत लियो और चालीस से बड़े ने मत लियो जब पच्चीस से छोटे ना लेने चालीस से बड़े ना लेने बात समझ में आ रही है सर पिछले सवाल में डॉक्टर से कर रहा है बेटा वो सेवाए में बोल तो दिया था जो नीचे वाली सिवाय वाली कंडीशन है दो तो उनको पढ़ना ध्यान से समझ में आ जाएगा पापा का शेर जो कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सात गलत हो गया आपका उसमें एज तेईस है तो मैंने कब कहा मैंने यही तो कहा उसमें एज तेईस तेईस क्यों तेईस से कुछ महीने नहीं आएंगे तेईस से कुछ महीने भी तो आएंगे तो इसका मतलब दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन के अंदर उम्र गिवन नहीं है और जब उम्र गिवन नहीं है तो मैं ये बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कुल मिलाकर मुझे यही नहीं पता उम्र कितनी है एक आंसर दे रहा निर्णय लेने के लिए दिया गया डाटा डेटा अपर्याप्त है ऑप्शन नंबर डी सही होती ऑप्शन नंबर डी बहुत शानदार बहुत शानदार अगला सवाल ये रहा दोस्तों अगला सवाल पहले पढ़ लेंगे जरा कंडीशनों को पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेंगे मेरे सभी दोस्त उसके बाद सवालों पर चलेंगे पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद सवालों पर चलेंगे ध्यान से देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैसे आवाज नहीं आ रही क्या यहां से क्लियर है भाई सब, एक बार जल्दी से थम्सअप करेंगे क्या अब आवाज आ रही है क्या अब आवाज आ रही थम्सअप कर दो भाई साहब एक बार आवाज अब आ रही है क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुझसे क्या, क्या कह रहा है एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों की योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बोल रहा है उसमें मापदंड दे रहा है किसके लिए सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है आज कह रहा है उम्मीदवार ने कम से कम पिछहत्तर प्रतिशत अंक के साथ बारहवीं की परीक्षा पास की हो बारहवी की मार्कशीट में कितने नंबर होने चाहिए बारहवीं की बारहवीं की मार्कशीट में कितने नंबर होने चाहिए पिचहत्तर प्रतिशत नंबर होने चाहिए आगे क्या कह रहा है उम्मीदवार ने कम से कम 80 परसेंट अंकों के साथ बीटेक की परीक्षा पास की होनी चाहिए कितने परसेंट के साथ 80 परसेंट के साथ क्या यह बात समझ में आ रही है आगे क्या कह रहा है कम से कम सत्तर परसेंट अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर होना चाहिए इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर होना चाहिए सत्तर परसेंट के साथ कम से कम एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव हो इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव हो पांच साल का बहुत शानदार बहुत शानदार आगे क्या कह रहा है भाई यहां से क्वालिटी बिल्कुल ठीक है आप थोड़ी सी क्वालिटी अपनी ओर से बढ़ा लीजिए दोस्तों यहां बिल्कुल क्लियर है इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा बात को थोड़ा सा समझेंगे आगे कह रहा है एक उम्मीदवार सारे मानदंड पूरे करता है सिवाय फर्स्ट के सिवाय फर्स्ट के फर्स्ट कौन सा है ये वाला कौन सा पिछहत्तर प्रतिशत अंक के साथ बारहवीं की परीक्षा पास की हो तो क्या कह रहा है तो कॉलेज के प्राचार्य के पास मामला भेजा जाएगा कॉलेज के प्राचार्य के पास मामला भेजा जाएगा यानी अगर अगर यह कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो प्रधानाचार्य के पास मामला जाएगा नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें। कोई जानकारी दी गई है ध्यान से देखेंगे और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों के आधार पर बताई गई कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई करें आपको प्रश्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा कोई और धारणा नहीं बनानी है यानी प्रश्न के आधार पर ही चलना है अपनी ओर से कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है मामला एक ग्यारह दो हजार सोलह की स्थितियों पर आधारित है एक ग्यारह दो हजार सोलह की स्थितियों पर आधारित है समझ लेना सवाल देखेंगे पहला क्या कह रहा है जल्दी से देखेंगे इस प्रश्न को इस प्रश्न को जल्दी से देखेंगे मेरे सभी दोस्त क्या यह प्रश्न कह रहा है जूम कर देता हूं टेंशन मतलब अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम कर दिया है पहला क्या कह रहा है शक्ति बल का जन्म 2 मार्च उन्नीस को हुआ शक्ति बल का जन्म 2 मार्च उन्नीस को हुआ आगे क्या कह रहा है उसे बारहवीं में अस्सी परसेंट अंक मिले बारहवीं में अस्सी परसेंट उसने पिचहत्तर परसेंट मांगे थे पिछहत्तर थे सत्तर थे जितने भी थे उससे ज्यादा है अस्सी परसेंट उसे स्नातक और स्नातकोत्तर में पिचासी प्रतिशत अंक मिले उसने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल की हैं हासिल की हैं मेरी बात ध्यान सुनना इतनी बातें बताई हैं उसने इससे ज्यादा नहीं बताया है इतनी ही बातें बताइए इससे ज्यादा नहीं बताया है ध्यान से देखेंगे बातें मांगी कितनी गई थी सबसे पहला यह था पिछहत्तर प्रतिशत अंक से बारहवीं पास कर ले ये बताओ दोस्तों क्या इसने बारहवीं पास कर ली बहुत शानदार और वो भी अस्सी परसेंट से यह मामला क्लियर है दूसरी कंडीशन क्या थी कम से कम अस्सी परसेंट अंकों के साथ बीटेक की परीक्षा पास की हो मुझे एक बात बताओ यह क्या कह रहा है उसने स्नातक यह तो हो गया पिचासी परसेंट इसमें आ गए स्नातकोत्तर में उसने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर तो डिग्री हासिल की है भाई मुझे मुझे यहां यहां नहीं नहीं बताया मुझे ये नहीं बताया कि इंजीनियरिंग में जो उसकी डिग्री आई है जो इंजीनियरिंग में उसकी डिग्री आई है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पे चलो पिचासी परसेंट इसे भी मान लेता हूं लेकिन अगला पॉइंट क्या कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है कम से कम सत्तर परसेंट के साथ इंजीनियरिंग में तो तो ये भी बात सही है प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव हो यह पॉइंट ध्यान समझना मुझे एक बात बताओ पांच साल का अनुभव होना चाहिए लेकिन इस सवाल में तो यही नहीं बता कि शक्ति बल के पास कितने वर्ष का अनुभव है इस सवाल में यही नहीं पता कि शक्ति बल के पास कितने साल का अनुभव है यानी एक्सपीरियंस के बारे में तो कोई बात ही हुई नहीं है और जब एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात नहीं हुई तो इसका मतलब आंकड़े पर्याप्त नहीं है आंसर आएगा दिए गए तथ्य निर्णय के लिए अपर्याप्त है भाई साहब पूरी जानकारी इस प्रश्न के अंदर नहीं है बहुत शानदार <laughs> संदीप चौहान जी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा साफ साफ लिख के बताओ संदीप चौहान जी समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाह रहे हैं थोड़ा दोबारा से लिखो थोड़ा सा ठीक से लिखो संदीप चौहान जी समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से लिखेंगे संदीप चौहान कमेंट आएगी भाई देखना अगला सवाल ये रहा जल्दी से इस सवाल का आंसर देंगे मेरे सभी दोस्त मुझे इस सवाल का आंसर जल्दी से देंगे मेरे सभी दोस्त बहुत शानदार जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर देंगे मेरे सभी साथी बहुत शानदार कह रहा है रघु का जन्म 4 अप्रैल 1988 को हुआ रघु का जन्म 4 अप्रैल 1988 को हुआ उसे बारहवीं में अस्सी परसेंट अंक मिले बारहवीं में कितने परसेंट अंक मिले अस्सी परसेंट अंक मिले उसे स्नातक और स्नातकोत्तर विशेषज्ञ तक इसमें इंजीनियरिंग में पिचासी परसेंट अंक मिले उसे एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग कॉलेज का पांच वर्षों का अनुभव है जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे सारी कंडीशन देखते हैं एक बार सबसे पहली कंडीशन क्या थी पहली कंडीशन यह थी पहली कंडीशन यह थी कि कम से कम 75 परसेंट अंक से बारहवीं परीक्षा पास करी होनी चाहिए चेक करते हैं, इसके आए हैं बारहवीं में अस्सी परसेंट उसे चाहिए 75 परसेंट इसने कहा मेरे भाई साहब अस्सी परसेंट बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया आगे क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं पॉइंट तो इसने कर लिया एकदम लाजवाब तरीके से क्लियर अगले पॉइंट की बात करता हूं अगला पॉइंट क्या कह रहा है अगला कह रहा है स्नातक और स्नातकोत्तर पिछासी परसेंट अंक मिल अच्छा यह तो क्वेश्चन है अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट क्या कह रहा है यह कह रहा है आ, 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 ये रहा कम से कम अस्सी परसेंट अंकों के साथ बीटेक की परीक्षा बीटेक वगैरह में चाहिए कम से कम कितने परसेंट अस्सी परसेंट इसकी बात कर लेता हूं एक बार इसके कितने आए इसके आए हैं विशेषज्ञ है यहां भी एकदम पास हो गया भैया छोरा यहां भी पास होता जा रहा है ये तो, ये तो तो पास होता जा रहा है भैया एक और कंडीशन देख लेते हैं कहीं तो फेल करवाओ आगे क्या कह रहा आगे भी देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। कम से कम सत्तर परसेंट अंकों के साथ इंजीनियरिंग में वो बात तो हो ही गई ऊपर ही गया वहां भी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पांच साल का कार्य अनुभव हो चेक करो क्या इसे पांच साल का अनुभव है चेक करो क्या इसे पांच साल का अनुभव है उसे एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पांच साल का अनुभव वहा से तो अनुभव भी है इसे तो अनुभव भी है इसने सारी की सारी कंडीशन अप्लाई कर ली है दोस्तों सभी कंडीशन पे ये लड़का खरा उतर गया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि उम्मीदवार का चयन होगा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार एक मिनट कमेंट रोको इसे सर आप तेज साउंड में पढ़ाते हैं तो लगता है कि हम पढ़े नहीं तो सर अब खूब धुलाई कर देंगे और हम और हम डर के फिर जुनून से पढ़ने लगते हैं पर आज ऐसा नहीं लग रहा है अच्छा संदीप जी बताया तो था मैंने आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल बहुत ज्यादा अभी भी लगभग 103 के आसपास 102 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार भी है गले में बहुत ज्यादा दर्द है तेज बोला नहीं जा रहा है तो बस थोड़ा सा इस वजह से समझ सकते हैं कि इस वजह से आज थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन है आमतौर पर दोस्तों आपको पता है कि इतना डाउन नहीं होता है चलो कोई बात नहीं अब ध्यान से देखेंगे अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे ये रहा अगला सवाल इस सवाल को ध्यान से देखेंगे मेरे सभी साथी बहुत शानदार तरीके से इस सवाल का शिकार करेंगे सभी सवाल देखेंगे क्या कह रहा है बहुत शानदार बहुत शानदार मुझसे कह रहा है राजेश का जन्म 22 जनवरी 1988 को हुआ खैर <coughs> जन्म के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी कि जन्म कब हुआ कब नहीं हुआ आगे कह रहा है उसे बारहवीं परीक्षा में 70 परसेंट अंक मिले बारहवीं परसेंट बारहवीं परीक्षा में उसे कितने परसेंट अंक मिले 70 परसेंट अंक मिले मुझे एक बात बताओ बारहवीं परीक्षा में उसे कितने परसेंट अंक चाहिए थे बारहवीं परीक्षा में उसे कितने परसेंट अंक चाहिए थे सर उसे चाहिए पिछहत्तर परसेंट उसे चाहिए थे पिछहत्तर परसेंट अंक बारहवीं परीक्षा में लेकिन वो ये कह रहा था कि यदि बारहवीं परीक्षा में पिचहत्तर परसेंट अंक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं सिवा फर्स्ट के तो उसने कहा था एक उम्मीदवार सारे मापदंड पूरे करता है तो यह तो कोई बात नहीं पिछहत्तर तो कोई दिक्कत नहीं है आगे आगे देखते हैं हैं इसमें तो कोई दिक्कत ना आ रही कह रहे हैं। उसने इंजीनियरिंग और स्नातक में स्नातकोत्तर में अस्सी प्रतिशत अंक हासिल किए हैं एबीसी इंजीनियरिंग में दो सो यार केवल दो साल का अनुभव है से तो इसे केवल दो साल का अनुभव है और अनुभव चाहिए था पांच साल का पांच साल का अनुभव चाहिए इसे केवल दो साल का अनुभव है तो मुझे एक बात बताओ कि अनुभव बारहवीं बारहवीं में पिछहत्तर बार बार परसेंट नंबर या सत्तर जो भी है यदि उतने क्लियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अनुभव तो भाई साहब कम से कम पांच का चाहिए इसे केवल दो का है इस उम्मीदवार का चयन नहीं होगा उम्मीदवार का चयन नहीं होगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसका चयन नहीं होगा बहुत शानदार आगे बढ़ते हैं पहले ये बताओ थम्स अप करके क्या दिमाग लगा पा रहे हैं आप इन सवालों में क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये सवाल पेपर में करने हैं क्या आप ये सवाल समझ पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर एग्जाम में निर्देश भी लिखा हाँ, हाँ हर चीज लिखी होगी सेम यही क्वेश्चन आएंगे मैं तो बिल्कुल यही लैंग्वेज आएगी टेंशन ना लेंगे बिल्कुल यही लैंग्वेज आएगी टेंशन नहीं लेंगे सर कितने सवाल आएंगे यूपीएसआई में मेरे भाई आ, मेरे भाई आप पिछली बार हर एक शिफ्ट में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से हर एक शिफ्ट में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर मैं बात करूं अब की बार तो अब की बार भी लगभग इतने तो पूछे ही आई भाई जब वहां तीन क्वेश्चन पूछ रहा था तो इस बार भी उम्मीद है तीन तो पूछ ही लेगा उम्मीद है तीन तो पूछ ही लेगा अगले सवाल पे चल रहे हैं ये रहा सवाल पहले इस कंडीशन को पढ़ लेंगे ध्यान से पहले इस कंडीशन को मेरे सभी साथी मेरे सभी भाई ध्यान से पढ़ेंगे कंडीशन क्या है कंडीशन कह रहा है और जूम कर दूं लो और जूम कर दिया दिक्कत क्यों ले रहे हैं आप अब देखो ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब कोई स्पोर्ट्स क्लब है पूरा नाम बोला है ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब अब ध्यान से देखें ठीक है भाई आगे क्या कह रहा है राज्य स्तरीय बॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन कर रहा है किसके लिए आयोजन कर रहा है वॉलीबॉल के लिए कर रहा है बहुत शानदार आगे कह रहा है खिलाड़ी को निम्नलिखित तो मानदंडों पर पूरा उतरना आवश्यक है चार ही तो मानदंड चार ही मानदंड ये ये होने चाहिए ये क्लियर होने चाहिए ध्यान से देखो क्या कह रहा है खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए सबसे पहली बात खिलाड़ी की जो आयु है वो 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए सर एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे मैंने कब कहा आएंगे अमित साहब एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आया बाई चांस मतलब अगर माता रानी बिल्कुल रूठ गई अगर माता रानी बिल्कुल रूठ गई और एक आध सवाल तुम्हें फंसाने के लिए दिया लेवल थोड़ा सा बढ़ा के तो दे देगा नहीं तब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन एस एस में यहाँ से पूछा जाएगा लेकिन लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी संडे इसी रविवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक एक जबरदस्त मैराथन जिसका आप मतलब यह है कि भाई आप चाहे एस एस से हैं चाहे यूपीएसआई से हैं आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप उस क्लास में आ जाना सब कुछ कंप्लीट करा रहा हूंगा मैं वहां पर वर्बल रीजनिंग में ठीक है आप सुबह आठ बजे रविवार सुबह आठ बजे से रविवार रात आठ बजे तक देखेंगे खिलाड़ी की आयु की बात बोली कितने वर्ष बीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचाई होनी चाहिए समझ में आ रही है ध्यान से देखेंगे। खिलाड़ी का वजन पिचासी किलोग्राम से कम होना चाहिए यानी जो उसका वेट है वो 85 किलो से कम होना चाहिए खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया होना चाहिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेले हुए होना चाहिए ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला मैंने कहा खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए सबसे पहली बात खिलाड़ी की ऊंचाई 170 से ज्यादा होनी चाहिए खिलाड़ी का वजन पिचासी किलो से कम और जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए आप देखेंगे आगे क्या बोल रहा है सिवाय में क्या बोल रहा है सिवाय में क्या बोल रहा है ध्यान से समझेंगे सिवाय मैंने बता चुका हूं कि सिवाय क्या मैटर है जिसमें कुछ छूट मिल जाती है दूसरी बात भी आ जाती है आगे देखेंगे बी में छूट में दे रहा है बी में छूट दे रहा है बी में क्या बोल रहा था छूट किस में मिली बी में बी क्या था खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर कोई बात नहीं अगर 170 सेंटीमीटर ऊंचाई नहीं है तो उसमें एक छूट दे रहा है कह रहा है लेकिन उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए 170 नहीं है तो कोई बात नहीं है 160 भी चल जाएगी लेकिन साथ में बस एक काम किए होना चाहिए वो काम देखो उसने राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट में भाग लेना होना चाहिए अगर उसकी लंबाई 170 ना आए तो 160 भी चल जाएगी लेकिन लेकिन एक बात ध्यान से समझेंगे कि बात यह है वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेला होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का तो मामला जाएगा क्लब के सचिव के पास तो मामला जाएगा क्लब के सचिव के पास एक डी में छूट दे रहा है डी क्या मैटर है भैया भैया डी क्या मैटर है डी बोल रहा खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है अब डी में देखो यानी यदि उसने भाग नहीं लिया है लेकिन उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है स्वर्ण पदक मिला है स्कूल प्रतियोगिता में तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जा सकता है मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जा सकता है दोस्तों पहला सवाल आपका इंतजार कर मतलब पहले सवाल का आंसर जल्दी करो तुम लोग स्वीकार करो इस सवाल का क्या आंसर आ सकता है क्या आंसर आ सकता है इस सवाल का जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इस सवाल का सबसे पहली बात यह कह रहा है ध्रुव एक लड़का है जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय खिलाड़ी है मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ वो 22 वर्ष का खिलाड़ी है और आयु होनी कितनी चाहिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 20 वर्ष यानी 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी है उसकी आयु 22 वर्ष है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या कह रहा है उसे तीन जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले यह तो बहुत ही अच्छी बात है आगे रहा है, उसकी ऊंचाई और वजन क्रमश है एक सेंटीमीटर और त्रासी किलो है जो उसकी ऊंचाई है ना दोस्तों जो उसकी ऊंचाई है ना दोस्तों उसकी ऊंचाई एक सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई एक सेंटीमीटर है अगर मैं आम तौर की बात करूं तो आम तौर पर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए थी 170 होनी चाहिए थी लेकिन उसकी तीन सेंटीमीटर कम है पर उसने क्या बोला है उसने बोला है उसने बोला है कि भाई जो ऊंचाई वाला मैटर वो बी तो है बी में उसने एक छूट दी है और उसने कहा है कि लेकिन उसकी ऊंचाई 160 से ज्यादा होनी चाहिए एक है तो 160 से तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है कह रहा है उसने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया होना चाहिए अब एक बात बताओ जब उसने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हुआ होगा राष्ट्रीय स्तर वो बोलते ना राष्ट्रीय स्तर का बाईस वर्षीय खिलाड़ी है इसका मतलब क्या है जब ये 170 सेंटीमीटर से हाइट कम है लेकिन राष्ट्रीय स्तर का है तो मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा और दोस्तों ये इस चीजी पर जाएगा कि इसका जो मामला है वो क्लब के सचिव के पास जाएगा इसका मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मामला जाएगा क्लब के सचिव के पास मामला जाएगा क्लब के सचिव के पास बहुत शानदार क्लब के सचिव के पास ये मामला जाएगा बात समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला सवाल करेंगे सभी लोग अगला सवाल करेंगे ये रहा अगला सवाल जल्दी से आंसर करेंगे इस सवाल का इस सवाल का आंसर जल्दी से करेंगे मेरे सभी साथी जल्दी से करेंगे जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर रहेंगे भाई जल्दी से सर वेट तो कम है तेरह में कहा वेट कम है कितना वेट है तिरासी किलो वेट है 83 थ्री किलो वेट है बेटा 83। थ्री और उसने ये कहा था पिचासी किलो से कम होना चाहिए तो वे यही तो बोला उसने पिचासी से कम होना चाहिए तो त्रासी ये बताओ पिचासी से कम होना चाहिए उसका त्रासी है तो बिल्कुल सही बात तो है तो वेट के मामले में गड़बड़ थोड़ी है भाई ये कह रहा है पिचासी से कम होना चाहिए और उसका त्रासी है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है कमी तो है दो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है इरफान खान चौबीस वर्षीय जिला स्तरीय चौबीस वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता है जिला स्तर पर खेल चुका है स्वर्ण पदक विजेता है जो चयन परीक्षा में शामिल हुआ है बहुत शानदार उसका वजन अस्सी किलो है उसे पिचासी से कम चाहिए था और उसका अस्सी किलो बहुत शानदार उसकी ऊंचाई एक सौ अस्सी सेंटीमीटर है उसे 170 सेंटीमीटर चाहिए थी 170 सेंटीमीटर चाहिए थी इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है स्वर्ण पदक विजेता भी है उम्र 24 साल अर्थात 20 साल से ज्यादा भी है जिला स्तर पर खेल चुका है वजन 80 है यानी कहने का मतलब पिचासी से कम ही है ऊंचाई 180 है कहने का मतलब 170 से ज्यादा है तो क्या मैं इसका चयन नहीं कर सकता इसमें बुराई ही क्या है यही तो वो है जिसका जिसका हर एक मैटर देखकर मुझे यह लग रहा है कि इसने हर एक काम को बिल्कुल सही किया है हर एक जगह जगह इसकी कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या मुझे इसका चयन नहीं करना चाहिए मैं तो साफ साफ बोल दूंगा खिलाड़ी का चयन किया जाएगा खिलाड़ी का चयन किया जाएगा बात समझ में आ गई होगी बहुत शानदार दोस्तों इस खिलाड़ी का चयन किया जाएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत शानदार आगे चलते हैं जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से बताएंगे मेरे सभी दोस्त क्या आंसर आ सकता है इस प्रश्न का इसे करेंगे जल्दी से इसे करेंगे जल्दी से क्या आंसर आएगा जल्दी से करेंगे क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का Yeah. <laughs> देखेंगे दोस्तों एक बार जल्दी से देखेंगे सभी लोग मैंने कहा इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा अब एक इक्कीस वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है उसे बीस वर्ष उम्र चाहिए थी कि नहीं उसे मिनिमम बीस साल चाहिए थी इक्कीस वर्ष का है ये बात फॉलो होती है आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है जिसका वजन सतासी किलोग्राम है मुझे एक बात बताओ वजन तो पिचासी किलोग्राम से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए पिचासी किलोग्राम से वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें सतासी किलोग्राम वजन है मुझे एक बात बताओ क्या वजन के मामले में कोई छूट मिली थी क्या वजन के मामले में क्या वजन के मामले में कोई छूट मिली थी चेक कर लो एक बार सर छूट मिली थी एक तो डी में मिली थी एक बी में मिली थी बी वाला क्या था ये तो ऊंचाई का था और डी वाला वजन के मामले में कोई छूट नहीं मिली सी पर कोई छूट नहीं मिली वजन के मामले में तो कोई छूट ही नहीं मिली दोस्तों कि इस व्यक्ति का चयन नहीं होगा खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा इस खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्या ये चैप्टर आपकी समझ में आ रहा है क्या आप इन सवालों को पेपर में अपने हिसाब से अब कर पाओगे क्या इन सवालों को पेपर में आप अपने हिसाब से कर पाओगे अभी दोस्तों अभी आपको प्रैक्टिस के तौर पर इस सीट में जो हमारे ऐप जो हमारा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है उस पर आपको ये प्रैक्टिस uh, के तौर पर सीट मिल जाएगी और वहां पर अभी आपको और भी क्वेश्चन ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी पंद्रह क्वेश्चन ये हैं और पंद्रह ही क्वेश्चन और हैं दोस्तों उन सब को करना दोस्तों उन सब को करना दोस्तों आप समझ सकते हैं एक बार पुलकित को बुला दो आप समझ सकते हैं कि आज थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं ये क्लास थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं लेकिन जो मेरा टारगेट था जो मेरा टारगेट था कि मैं ये चैप्टर आपको सिखा सकूं जल्दी बताओ सच सच बताओ क्या वो टारगेट पूरा हुआ है दोस्तों वो वो लगा दो एक बार तो क्या टारगेट पूरा हुआ है यदि हुआ है तो बहुत शानदार बात है और दोस्तों आपके सामने एक बार ध्यान से देखो आपके सामने लग चुका है एस एस और यूपीएसआई वर्बल रीजनिंग महामैराथन मैं आप दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी संडे 17 तारीख को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक वर्बल रीजनिंग की महामैराथन क्लास जो कि बहुत शानदार रहेगी किसके लिए एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए एस एस और यूपीएसआई के लिए दोस्तों जरूर आना अपने दोस्तों को भी लाना और सभी साथियों को जरूर आना है सभी को बताना है कि एक बार जरूर क्लास लें यदि आप रीजनिंग में मात्र एक क्लास में से ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक बार क्लास का हिस्सा जरूर बनना दोस्तों और अब जब आपको पता चलेगा कि वाकई क्या चीजें होने वाली है एक बार कमेंट चला देंगे जल्दी से तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि आज थोड़ी सी तबियत भी ठीक नहीं थी बाकी आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों सर्कल एक मिनट एक मिनट सर कल वाला इनकम्प्लीट क्यों कराया है इनइलिटी की बात कर रहे हैं संदीप चौहान कल वाला इन इनकम्प्लीट कहाँ है कल वाला मैंने पूरा चैप्टर कराया है आपके पेपर में वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे संदीप जी वो पूरा टॉपिक मैं करा चुका हूं आप लोग उसे पूरा कर लेना मैंने उसमें हर एक टाइप कराया कुल चार टाइप होते हैं चारों ही टाइप कराए थे पहला बिल्कुल सीधे वाले दूसरा कॉमा वाले तीसरा कंडीशन वाले कि ए हैज बी का अर्थ यह है ये सब वाले और दोस्तों मैंने बाकी बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब कराए हैं एक भी टाइप नहीं छोड़ी है आप उसे जरूर करना प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर रहेगा ठीक है दोस्तों बाकी अगले क्लास में जय हिंद जय भारत